हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंथन स्मार्ट क्लास में। हमने कल रीजनिंग का एक टॉपिक जो ब्लड डोनेशन लिया था उसके कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस इज मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। इसलिए हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमने कल बेसिक ही जाना था, और जो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, क्या कह रहा है, एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए राम गोपाल कहता है, ठीक है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना हमने जो सवाल पढ़ लिया, ठीक है, तो हम अभी फाइंड आउट नहीं कर पाए कि हमें किससे क्या रिलेशन निकालना। तो आगे जब हम पढ़ेंगे कि वह राम गोपाल कहता है कि वह मेरे भाई, कौन कहता है, राम गोपाल, तो हम यहाँ पे आर बना लेंगे। अगर पूरा नाम लिखेंगे तो ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट होगा हमारा, इसलिए हम यहाँ पे आर बना लेंगे और फिर लिखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकेंड, रामगोपाल कहता है कि वह मेरे भाई, रामगोपाल के भाई, ठीक है। अभी नाम दिया हुआ है, नाम से आपको लग रहा होगा कि ये रामगोपाल है तो मेल होगा, इसलिए हम इसका मतलब नाम के आधार पे हम इसका जेंडर जो होगा वो कंफर्म नहीं करेंगे, ठीक है। इससे हमें क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, रामगोपाल कि वह मेरे भाई, मतलब किसके, राम गोपाल के भाई। तो यहाँ पे इनके कोई भाई होंगे, हमने ऐसे मान लिया है, कोई भी हो सकते हैं भाई होंगे, क्योंकि भाई हैं तो इसका जेंडर कंफर्म है, तो हम साइन बना देंगे मेल का, राम गोपाल के भाई की बहन, ठीक है। तो जो राम गोपाल की, ये तो भाई हो गए, भाई की बहन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई होंगी जो इनकी बहन होंगी, तो फीमेल है, बहन फीमेल में आते हैं, तो हम साइन बना देंगे, बहन के पिता, इनकी बहन है, बहन के पिता, ठीक है। आप चाहें तो पिता यहाँ पे भी, पर हमें क्वेश्चन को इजी वे से लेकर चलना है, इसलिए हम इसके ऊपर बनाएंगे, राम की बहन के पिता, ठीक है। तो हम ये पिता हैं, इनका जेंडर भी कंफर्म है, तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या पिता की पुत्री है, कौन, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, रामगोपाल कहता है कि वह, कौन, औरत जो है वह मेरे भाई, मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है, मतलब ये जो है, ये जो औरत जिसकी तस्वीर है वो ये है। जहाँ पे इस सवाल को हम दोबारा जब पढ़ेंगे, जहाँ पे ये सवाल स्टॉप होगा, ठीक है, वहीं पर जहाँ पे हम सवाल स्टॉप करेंगे, वो जो इंसान होगा, वो जो व्यक्ति होगा, वो फोटो वाला व्यक्ति ही होगा, ठीक है। तो ये कौन है, ये फोटो है। अब क्या कह रहा था, तो तस्वीर वाली औरत का राम गोपाल से क्या रिश्ता है, तस्वीर वाली औरत तो ये हो गई ना, तो अब इससे हमें रिश्ता बताना है। से किसके लास्ट में लगा, मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राम गोपाल के बाद में से लगा हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राम गोपाल का भाई कौन होगा, भाई ही होगा, भाई की बहन कौन होती है, बहन ही होती है, तो हमें यहीं से यहाँ तक ही जाना था, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, एक सेकेंड, बी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राम तथा श्याम, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम तथा श्याम दोनों ताम के संतान है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सही से पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए ध्यान से उसे पढ़िएगा, राम तथा, और इजी है ये चैप्टर, बहुत ही इजी है, ठीक है। राम तथा श्याम दोनों ताम के संतान है, क्या कह रहा है, राम तथा श्याम, ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों संतानें हैं तो एक ही जनरेशन में आएंगी, राम तथा श्याम दोनों ताम की संतानें हैं, तो संतानें हैं मतलब ये संतानें हैं, तो ये पिता ही तो होंगे, ये पिता होंगे, तो हमें एक जनरेशन को ऊपर ले जाना पड़ेगा, दोनों संतानें, अभी इनमें से किसी का भी जेंडर कन्फर्म नहीं है, तो हम नाम के अनुसार इनका जेंडर कन्फर्म नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या कहा गया है, यहाँ तक तो हो गया था संतानें, ताम पिता है राम का, क्या कह रहा है, ताम पिता है राम का, किंतु श्याम ताम का पुत्र नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करेंगे, कुछ लोग जो होते हैं वो नाम के अनुसार जेंडर कंफर्म कर देते हैं। ये देखिए मैं आपसे उस समय से बोल रही हूँ कि नाम के अनुसार जेंडर कंफर्म मत कीजिएगा, यही यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है श्याम, अक्सर श्याम लड़के का ही नाम होता है ना, आपने नहीं देखा होगा कि श्याम किसी लड़की का नाम हो, ठीक है। और यहाँ पे यही कहा गया है, ताम जो है वो राम के पिता हैं, मतलब ताम पिता है राम का, किंतु श्याम उसका पुत्र नहीं है, ठीक है। तो श्याम जो है वो पुत्र नहीं है, और संतान तो है, तो पुत्र नहीं है तो क्या बच्चा, पुत्री ही हो सकता है, तो हम इसका जेंडर बना लेंगे कि ये है फीमेल, क्योंकि इस पुत्र तो हो नहीं सकता है, तो ये फीमेल ही होंगे। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन, श्याम का ताम से क्या संबंध है, श्याम का
ताम से, ताम के बाद में से लगा हुआ तो हम ताम से चलेंगे, ये पिता थे तो इनका जेंडर तो कंफर्म था, ठीक है कि ये मेल ही हैं, तो हम पिता से चलेंगे, पिता का मतलब बेटा या बेटी ये कुछ भी हो, ठीक है, तो हम यहाँ से चलेंगे, ये पिता का मतलब जो होता है पुत्र हो या फिर पुत्री हो, उनका जो उनकी जो बहन होगी वो कौन होगी, पुत्री होगी, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, पुत्री। ओके फ्रेंड्स, आप ये जो मैंने आपको बताया है उसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं स्टूडेंट मिस्टेक्स कर जाते हैं, ठीक है, आप ऐसी गलती को मत कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि सुरेश की माता दिनेश की माता की पुत्री हैं, क्या कह रहा है, यदि सुरेश की माता दिनेश की माता की पुत्री हैं, किसकी माता, दिनेश की माता की पुत्री हैं, तो हम पहले यहाँ पे दिनेश को बनाएंगे, मतलब डी लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम वैसे करते हैं तो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत देर भी लगेगी, टाइम को हमें बचाना होता है एग्जाम्स में, इसलिए हम डी ही बनाएंगे शॉर्टकट में। दिनेश की माता की पुत्री है, दिनेश की माता, माता जो है तो वो एक जनरेशन ऊपर जाएंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि माता है फीमेल है इसलिए हम साइन भी बना देंगे, और इसका जेंडर भी हम नहीं बताएंगे क्योंकि दिनेश है, नाम के अनुसार मत चलिएगा, मिस्टेक्स हो जाएगी आपसे नहीं तो, ठीक है। देखिए क्या कहा है, दिनेश की माता की पुत्री हैं, दिनेश की माता की पुत्री हैं, पुत्री हैं तो मतलब ये पुत्र है उनका, तो पुत्री होंगे तो इन्हीं के जनरेशन में आएगी, तो हम यहीं पर लिखेंगे कौन है, ये जो पुत्री हैं एक इनकी, तो हम यहाँ इनका जेंडर कन्फर्म है, फीमेल बना देंगे, और ये जो पुत्री थी वो थी कौन, वो थी सुरेश की माता, ठीक है, सुरेश की माता थी, तो वो सुरेश कौन होगा इनका, सुरेश इनका पुत्र होगा, इसलिए हम एक पीढ़ी नीचे लेकर जाएंगे, मतलब एक जनरेशन नीचे लेकर जाएंगे, और यहाँ पे हम बना देंगे सुरेश को, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कहा गया है, तो बताइए दिनेश का सुरेश से क्या रिश्ता है, तो बताइए दिनेश का सुरेश से क्या रिश्ता, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, दिनेश का सुरेश से पूछा है, से किसके बाद में लगा हुआ है, सुरेश के बाद में, तो हमें सुरेश से चलना है, सुरेश की माता कौन होगी, माता, और माता का जो भाई, माता का भाई या ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर कंफर्म नहीं है, इसलिए ये क्या हो सकता है, अगर हम मानते हैं कि ये भाई हैं, अगर हम मानते हैं कि ये भाई हैं तो क्या होंगे, मामा होंगे, तो क्या होंगे, मामा, ठीक है, और अगर हम मानते हैं, एक सेकेंड, और अगर हम मानते हैं कि ये बहन है, अगर हम मानते कि ये बहन है तो कौन होंगी, मौसी, तो हम इसमें देखिए ऑप्शन में क्या ये दिया हुआ है, मामा या मौसी, अगर वो दिया हुआ है तो आंसर ये करेक्ट है, मामा या मौसी, तो इसमें दिया हुआ है मामा या, सॉरी फ्रेंड्स, मामा या मौसी, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। मैंने कहा है नाम के अनुसार आप जेंडर कन्फर्म मत कीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक्स हो जाएगी, जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक पुरुष की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा, क्या कह रहा है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक औरत ने कहा कि वह मेरी माँ, औरत कह रही है, सॉरी फ्रेंड्स, औरत कह रही है, तो हम अगर औरत लिखेंगे तो बहुत हमारा टाइम जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एफ बना देंगे, सॉरी, तो हम यहाँ पे एफ बना देंगे, क्या बना देंगे, एफ बना देंगे, ठीक है। औरत ने कहा कि वह मेरी माँ की, औरत की कोई माँ होगी, औरत की कोई माँ होगी, इनका जेंडर कन्फर्म है तो हमने साइन भी बना देंगे, औरत की कोई माँ होगी, औरत की माँ की माँ, इनकी भी कोई माँ होगी, माँ की माँ, देखिए औरत की माँ का एकमात्र पुत्र है, मतलब माँ की माँ का एकमात्र पुत्र है, किसकी जनरेशन में आएगा, पुत्र है तो एक ही पीढ़ी तो नीचे आएगा ना, एक ही जनरेशन तो नीचे आएगा ना, मैंने आपको बताया था कल वाले वीडियो में, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या मैंने, हाँ, माँ का एकमात्र पुत्र, एक पुत्र होता है तो मैंने आपको बताया था कि एक पीढ़ी नीचे जाते हैं, एक जनरेशन नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो वो है पुत्र है, तो इसलिए जेंडर कन्फर्म है, प्लस का साइन बना देंगे, एकमात्र पुत्र है तो उस पुरुष का, और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पे क्वेश्चन खत्म होगा वो व्यक्ति कौन होगा, जिसकी ओर संकेत किया गया या फिर जिस व्यक्ति की वो तस्वीर है वो व्यक्ति होगा। सभी में ऐसा नहीं होता, अभी मैं आपको आगे भी सवालों, आगे जो सवाल आएंगे मैं बता दूँ कि किस सवाल में ऐसा होता है, जहाँ पे सवाल खत्म होता है वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है। आप देखते रहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तो ये कौन है, ये फोटो वाला पुरुष है, कौन है, फोटो वाला पुरुष है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मतलब बता देंगे, फोटो एफ बना के बता देंगे कि फोटो है, पी बना के, ठीक है, इंडिकेट कर लेंगे उससे।
अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो उस पुरुष का उस औरत से क्या रिश्ता है, कह रहा तो उस पुरुष का उस औरत से, ये देखिए ठीक है। तो हम औरत से चलेंगे, औरत ये थी ठीक है, यहाँ से चलेंगे। औरत की माता कौन होती है, माता होती है, माता का जो भाई होता है, देखिए इस पे ये कंफर्म है ठीक है कि ये भाई ही है, उसमें कंफर्म नहीं था। औरत का भाई कौन होता है, मामा होता है, मतलब माँ का भाई जो होता है वो कौन होता है, मामा होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन कह रहा है ए सी का पुत्र है, क्या कह रहा है, ए जो है वो सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है। तो हम ऊपर जाएंगे, ए जो है वो सी का पुत्र है, सी और डी बहने हैं, सी और डी जो है वो बहने हैं, सी और डी बहने हैं, इनका दोनों का जेंडर कंफर्म है, और ए सी का पुत्र है, इसका भी जेंडर कंफर्म है कि ये पुत्र है ठीक है, बहने हैं। ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, किसकी माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, किसकी, डी की माँ है ठीक है, माँ है, इसका भी जेंडर कंफर्म है, तो हम साइन बना देंगे ठीक है। जी ई का पुत्र है, क्या कह रहा है इसमें, जी जो है वो ई का पुत्र है ठीक है, जी ई का पुत्र है, ई का पुत्र है मतलब इसी जेंडर से मिला, क्योंकि ये इनके बच्चे हैं, तो जो जो पुत्र होते हैं वो एक ही पीढ़ी नीचे आते हैं, तो हम यहाँ से चलेंगे एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे बना देंगे किसको, जी को, जी ई का पुत्र है तो मेल है ठीक है। तो निम्न में से कौन सा सही है, चलिए अब हम देखते हैं कि कह क्या रहा है, जी एवं सी बहने हैं, क्या कह रहा है, जी एवं सी जो है वो बहने हैं, देखिए क्या इसमें फाइंड आउट हो रहा है कि जी जो है, जी एवं सी बहने हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये देखिए बहन है मतलब ये जो है ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जी ए का मामा है, क्या कह रहा है, जी जो है वो ए का मामा है, बिल्कुल ये राइट है। देखिए यहाँ से हम चलेंगे, ये जो है माँ है, माँ का जो भाई होता है वो क्या होता है, मामा होता है ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फ्रेंड्स सही से समझिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा साथी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू तथा आर का भाई है, क्या कह रहा है, पी क्यू तथा आर का भाई है, पी जो है वो क्यू तथा आर का भाई है, सॉरी पी जो है वो क्यू तथा आर का भाई है, भाई है कौन है, पी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या बना देंगे, साइन बना देंगे ठीक है, ताकि हमको कंफर्म रहे। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है एस टी की माँ है, क्या कह रहा है, एस जो है वो टी की माँ है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमको याद रहे कि हमने ये वाला छोड़ा था। ओके फ्रेंड्स, भूल, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जल्दबाजी में भूल जाते हैं, सोचते हैं मैं तो याद ही रखूँगा, इतनी मेमोरी मेरी वीक नहीं, तो ये मिस्टेक्स मत कीजिएगा, प्लीज़ उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके देखिए बाकी क्या कह रहा है, एस जो है वो टी की माँ है और क्यू की बहन है, और क्यों की बहन है। देखिए फ्रेंड्स ये जो आता है ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि और जो आया है वो किसके लिए आया है, एस के लिए आया है या फिर टी के लिए आया था। तो मैं ये बात आपको बता दूँ कि और जो शब्द होता है वो पहले वाले व्यक्ति के लिए इंडिकेट के लिए मतलब उसको इंगित करता है ठीक है, कि ये जो दिया हुआ है वो पहले वाले व्यक्ति के लिए, जो कुछ भी ये कहता होता है और के बाद जो कुछ भी होता है वो पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है ठीक है। तो आप इस बात का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चाहिए तो आप इसको लिख लीजिए कि और जो होता है वो पहले वाले व्यक्ति के लिए होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है पहले वाले व्यक्ति के, तो आप चाहें तो इसका एक नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक है। हाँ क्वेश्चन कर रहा था एस टी की माँ है और क्यू की बहन है, क्यू की बहन है तो इसी जनरेशन में आएगी, क्योंकि क्यू इसमें है और जो भाई बहन होते हैं वो हमारी स्वयं की पीढ़ी के होते हैं, तो हम इसमें बना लेंगे किसको, एस को, एस को, क्योंकि एस पहले है तो ये और जो है वो एस के लिए दिया हुआ है ठीक है। फिर इसके अब हम इसको ले लेंगे क्योंकि वो तो हो गया, अब हम इसको ले लेंगे, एस टी की माँ है, एस जो है वो टी की माँ है, तो टी पुत्र होगा, तो एक जनरेशन नीचे आएंगे, टी को यहाँ पे बना लेंगे ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है एस जो है टी की माँ है, तो किसका जेंडर कंफर्म है, इसका कंफर्म है कि ये फीमेल है ठीक है। और यहाँ इसमें भी बताया गया था कि क्यू की सिस्टर है ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं देर ना करते हुए, आर
क्यू की बहन है, आर जो है वो क्यू की बहन है। यहाँ पे भी आर का भी जेंडर हमें कंफर्म हो गया, आर को तो हम पहले ही लिख चुके थे, सिर्फ जेंडर नहीं कंफर्म था, पर इसके इसके इसको इसके क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में पता चल गया कि हमें आर जो है वो फीमेल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया। पूछा गया है कि आर का टी से क्या संबंध है, आर का टी से, देखिए यहाँ से चलना है, ठीक है, टी से, तो टी से में चलना है, टी से में चलना है, टी मतलब माता की बहन जो होती है वो कौन होती है, ये तो हो गया, ये एस जो है वो इनकी माता है, माता की बहन कौन होती है, मौसी होती है। ठीक है, तो हमें आंसर क्या लगा रहा है, मौसी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि P प्लस Q का अर्थ है, यदि P प्लस Q का अर्थ है P Q की पुत्री है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए, हम पहले हम ऐसे जब सवाल आएंगे तो ये मैं बात आपको बता दूं और आप ध्यान से देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन में जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे इनटू है, यहाँ पे माइनस है, और शायद इसमें डिवाइड का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो और इसमें देखिए दो ही साइन पूछे गए, एक इनटू है, एक माइनस है, प्लस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसलिए हम पहले जो सवाल दिया होगा उसी को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कहा गया है, ए इंटू बी, तो हम यहाँ इस सवाल से आप पढ़ेंगे ए इंटू मतलब बी का अर्थ क्या निकल रहा है, तो देखिए इसमें क्या निकल रहा है, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है। क्या कह रहा है, पी जो है वो क्यू का पुत्र है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें हम क्या निकालेंगे, ए जो है वो बी का पुत्र है, क्या निकालेंगे, ए जो है वो बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ठीक है, तो देखिए बन गया, और अभी मैं आपको समझा रही हूँ कैसे मैंने बनाया कैसे। इसमें कह रहा है साफ साफ, ये देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें अपने आप नहीं करने होते हैं, उसका सिर्फ ये जो चिन्ह दिए होते हैं इनका, इन क्वेश्चनों में इनका बहुत अहम रोल होता है, इसी के इसी को देखते हुए हमें ये सवाल लगाने होते हैं, अपने माइंड का यूज़ नहीं करना होता। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है पी क्यू का पुत्र है, इसलिए मैंने इसमें भी बना लिया ए जो है वो बी का पुत्र है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बी माइनस सी, तो इसमें देखते हैं माइनस कहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है। ठीक है, माइनस यहाँ पे है, तो ये क्या कह रहा है, पी माइनस क्यू का अर्थ है, तो ये मतलब अर्थ क्या कह रहा है, पी क्यू की पत्नी, क्या कह रहा है, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, तो जो पहला वाला है वो पी है, मान लिया हमने जो पहला वाला है वो पी है, ये पी हो गया। ठीक है, और सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है वो पी हो गया। ठीक है, और जो क्यू है वो इसे हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए बीच में माइनस का साइन तो है ही, अगर आपको नहीं समझ में आया इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ ये। ठीक है, अब देखिएगा क्या कह रहा था, पी जो है वो क्यू की पत्नी है, तो बी जो है वो सी की पत्नी होगी, तो बी जो है वो सी की पत्नी है, मतलब जो विवाहित युग्म होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, उनके लिए दो लाइन अंडरलाइन करेंगे, मतलब दो लाइनें हम लेकर चलेंगे साथ में, सॉरी फ्रेंड्स, दो लाइनें हम साथ में लेकर चलेंगे, और इसमें हिसाब से आपका बी जो है वो सी की पत्नी है, किसका जेंडर कन्फर्म है, बी का, तो हम यहाँ पे फीमेल का साइन बना देंगे, और विवाहित युग्म होते हैं तो ये 100% कन्फर्म होता है कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, तो ये फीमेल का पता चल गया है, तो ये कौन होंगे, मेल होंगे। ठीक है, तो हम साइन बना देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमें मैंने ये क्वेश्चन लगा दिया है, आप देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य होता है। ठीक है, बी ए का पिता है, क्या पूछ रहा है, बी जो है वो ए का पिता है, तो देखिए क्या सही हो रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बी जो है वो फीमेल है और इसमें पिता बताया गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी बी की पत्नी है, बिल्कुल गलत, क्योंकि सी जो है वो मेल है और मेल पत्नी कैसे हो सकती है, ये गलत है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये वाला पहले देख लीजिए, ए बी की पुत्री है, बिल्कुल भी गलत, क्योंकि ये पुत्र है, क्या है, ये पुत्र है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर अब कौन सा बचा, एक ही बचा ना, तो यही सही हो जाएगा, कौन सा, ये वाला। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे, सी ए का पिता है, तो देखिए यहाँ पे सी जो है वो बी का पति है, बी का पति है मतलब ए, ए और जो ए है वो बी का पुत्र है, मतलब सी का भी पुत्री होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पंकज महेंद्र से कहता है, क्या कह रहा है, पंकज महेंद्र से कहता है, हम तब तक कुछ भी फाइंड आउट नहीं करेंगे जब तक हमें, हम यहाँ से नहीं पढ़ लेंगे। ठीक है, देख थे जो पंकज महेंद्र से कहता है, क्या कहता है, हम जब तक यहाँ तक क्वेश्चन को नहीं पढ़ लेंगे तब तक इससे हमें कोई मतलब नहीं पता चलेगा।
मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि हर एक सवाल में, मतलब मैंने आपको कहा था ना कि सवाल जहाँ पे खत्म होता है वो फोटो वाला व्यक्ति होता है, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यही वो सवाल है जिसमें मैंने आपको कहा था कि हर एक सवाल में ऐसा नहीं होता, इस सवाल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पंकज महंत से कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ, पंकज की माँ, सॉरी, पंकज महंत से कहता है कि उसकी माँ मेरी माँ की, मतलब पंकज की माँ की, पंकज की माँ की, सॉरी मैंने बहुत बड़ा लेंदी कर दूंगी इसको, पी बनाना चाहिए था मुझे, पी यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें शॉर्ट रहेगा और इजी बेसे में सॉल्व भी कर लेंगे। पंकज मतलब महंत से कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ, महंत की माँ। अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे महंत की माँ, इसको छोड़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, यहाँ से इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको और इसको, ठीक है। मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, पंकज की माँ की, पंकज की माँ होंगी कोई भी, इनका जेंडर कन्फर्म है तो हम माइनस कर सकते हैं, पंकज की माँ की, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री हैं, इनकी माँ की एकमात्र पुत्री हैं, पुत्री हैं तो एक जेंडर से नीचे आएंगे, और ये कौन होगी, ये जो होंगी पुत्री हैं तो फीमेल होंगी, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा वो फीमेल है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या रहा है, पुत्री हैं तो पंकज महंत से किस प्रकार संबंध है। हाँ, अब हमने जो छोड़ा था वो देखते हैं। इसने कहा है पंकज महंत से कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ, सुरेश की माँ, सुरेश की कोई माँ होंगी, यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, सुरेश की कोई माँ होंगी, सुरेश की कोई माँ होंगी, उसकी माँ मेरी माँ की। तो जहाँ पे ये सवाल ख़त्म होगा, क्या कह रही हूँ मैं, जहाँ पे ये सवाल समाप्त होगा और जहाँ पे ये सवाल समाप्त होगा, तो जो ये व्यक्ति होगा, ये व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। वो व्यक्ति जो होगा वो एक ही होगा, और मैंने जो आपको बताया था, जो व्यक्ति इसमें यहाँ पे ख़त्म होगा और यहाँ पे मतलब एक जैसे होंगे, यहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, जो ये व्यक्ति होगा जो दोनों साइड में मिला होगा, वो कौन व्यक्ति होगा, वो होगा फोटो वाला व्यक्ति, ठीक है। कौन होगा, फोटो वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। फिलहाल इसमें तो फोटो वाला ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बना दे रही हूँ, अब यहाँ पे नीचे ले आऊँगी, इसका पुत्र हो जाएगा ये, जो कौन हो जाएगा, ये महेंद्र हो जाएगा, सॉरी कौन होंगी, ये महेंद्र होंगे, ठीक है, महेंद्र हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व कर रही हूँ। देखिए, पंकज महंत से कहता है कि उसकी माँ, किसकी माँ, महेंद्र की माँ, ठीक है, महेंद्र की माँ ये बन गई है, मेरी माँ की, पंकज की माँ की एकमात्र पुत्री है। देखिए सारा सब कुछ इसमें फाइंड आउट हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन ये कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है पंकज महंत से किस प्रकार संबंधित है, पंकज जो है वो महेंद्र से किस प्रकार संबंधित है। तो उससे किसके बाद में लगा, महेंद्र के बाद, तो हम यहाँ से चलेंगे, महेंद्र की माँ कौन होंगी, माँ होंगी, और माँ के मतलब माँ का ये भाई है या बहन है कुछ पता नहीं है, तो हमें इसका जो आंसर आना चाहिए वो मामा या मौसी आना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर इंग्लिश में होता तो शायद अंकल हो सकता था, बट वो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑब्लिक में आ रहा है, इसका जेंडर कन्फर्म नहीं हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं, ओके फ्रेंड्स। और मैंने आपको जैसे बताया कि दो तरह से बनाइएगा, फिलहाल अभी जब नहीं आ रहा है आपको, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आप एक ही डायग्राम से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।